यात्रा वगैरह में सेवा वगैरह दे रहे हो? एक बार गया था मैं, छोटा था, पापा जी के साथ और काफी दोस्तों के साथ भी गया था मैं। सर मेरा कजन गया था कावड़ लेने के लिए, जब वो आया तो तब हम लोगों ने भंडारा वगैरह किया था, झांकियां वगैरह भी हुई थी। उन्हें अपनी साइड चलना चाहिए और उनकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट है, कुछ बातचीत करते हैं। क्या चल रहा है राजकिरण आजकल? राजकिरण आप अपना परिचय दो। हाँ, मेरा नाम राजकिरण शाह है, मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। और इसके साथ साथ ये छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफ़ी इन्होंने, इनका एक्शन प्लान अच्छा रहा है। आगे ये नेट की भी तैयारी कर रहे हैं और भी आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हिडन है उसको वो क्लोज रखना चाह रहे हैं। तो कहाँ हो आजकल, क्या क्या चल रहा है? पिछले वर्ष तो कॉलेज में ही है। और कुछ क्या कह रहे हैं, कांवड़ यात्रा वगैरह में सेवा वगैरह दे रहे हो? हाँ जी, जैसे जो यात्रा कर रहे हैं उनको कभी, जैसे सेवा जो हो रही है उसमें जैसे बनाना देना, पानी देना, अभी किसी चोट वगैरह कहीं लग रखी है, पेन वगैरह हो रहा है उसमें रिलीफ करने के लिए, मतलब जैसे मूव वगैरह देना या फिर किसी को। तो ये कहाँ पे देते हो, मतलब कहाँ पे, कहीं पे तो बनाए होंगे ना? जैसे लोग जो सेवा दे रहे हैं ना, जैसे जहाँ समय मिल गया, जैसे जोलीग्रांड में भी है, इधर हमारे भाने वाले में भी है, कल यहाँ पे जोलीग्रांड की तरफ एक जगह मतलब कंवरियों के लिए भंडारा भी किया गया था, वो मतलब देखा था हमने। हाँ, तो देखिए कांवड़ यात्रा एक मतलब धार्मिक उत्सव है और धार्मिक यात्रा है जो वर्ष में मुझे लगता है एक बार होता है। और वो किस महीने में होता है? सावन के महीने। सावन के महीने में होता है और ये बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और बहुत ही पवित्र कार्य के रूप में इसको किया जाता है, नो डाउट। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे मुसलमान भी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पानी पिलाते हैं कई जगह। उधर आप मैंगलोर वगैरह में देखिएगा, मीडिया में आता है कई बार, क्योंकि ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का भी प्रतीक है। क्या आपका विचार है? ये तो है। और कांवड़ यात्रा का लक्ष्य क्या है? कांवड़ यात्रा का लक्ष्य ये है, जैसे माना जाता है कि जो सावन का महीना होता है इसमें कांवड़ करने से भगवान से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और काफी लोग अपनी मनोकामना भी मानते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब उनको प्रसन्नता के लिए ये काम किया जाता है। मतलब तो काफी चीज में अलग अलग बातें कही गई है पर ज्यादातर तो लोग यही मानते हैं। तो कांवड़ यात्रा के दौरान शिव जी की पूजा विशेष है? जी जी। अच्छा, तो अच्छा कांवड़ यात्रा मेनली किन किन राज्यों में होता है? सब होता तो वैसे सारे राज्यों में, लेकिन जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, इनमें ज्यादा होता है। सबसे मुख्य स्थल जहाँ पे लोग जाते हैं कांवड़ यात्रा के लिए वो कौन है? तो मैं उत्तराखंडी है। उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह है? हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और उसके अलावा देखोगे झारखंड में बैद्यनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, तो आप कभी कांवड़ यात्रा पे गए हैं? हाँ जी। आप कब गए थे लास्ट टाइम? मैं 2 साल पहले गया था। 2 साल पहले कहाँ गए थे? हरिद्वार। हरिद्वार गए थे, तो कैसा लगा, आप अपना अनुभव बताइए। काफी बढ़िया रहा, मतलब अच्छा लगा, मतलब गए यहाँ से हरिद्वार, जल भरा, फिर जल भर के आके मतलब मंदिर में मंदिर में जल चढ़ाते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छे। कितनी आप लोग जो गए थे, तो कई लोग टीम के साथ जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं ग्रुप में, कितने लोग थे? ना हम लोग तो वैसे गए थे गांव से ना, सब अपने अपने उसमें गए थे, फैमिली में। हाँ, उसमें गए थे हम लोग। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है। एक ये है, आप कभी गए थे, आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कांवड़ यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं। मेरा नाम आदित्य सिंह पंवार है, मैं बीए का छात्र हूँ। हाँ, मैं कांवड़ यात्रा में कभी नहीं गए। नहीं, तो कांवड़ में तो सेवा दिए होंगे, देखे होंगे, जानते तो होंगे कांवड़ यात्रा क्या है। हाँ जी, कांवड़ यात्रा मुख्य सावन के महीने में लेके आते लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये प्रमुख त्यौहार, पंजाब, इनका प्रमुख त्यौहार माना जाता है सावन का महीना। ये हरिद्वार ऋषिकेश से जल भर के शिव जी के मंदिर में लेके जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कांवड़ यात्रा के बारे में? मैं कांवड़ यात्रा को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ, वो कांवड़ यात्रा लेके आए लेकिन अपने तरीके से लेके आए, कि जैसे आते गाड़ियाँ भर भर के लेके आते, ओवरलोड करके आते हैं। ओवरलोड नहीं करना चाहिए और एक तरीके से चले, नियमित रूप से।
हाँ वैसे ना क्राउड तो हो ही जाती है थोड़ा सा। आप कुछ कहना चाहेंगे कावड़ यात्रा के बारे में, कोई सजेशन, कुछ बात ऐसी एडवाइस? ये कि काफी मतलब ये रहता है कि महीना ही काफी अच्छा रहता है सावन का ना। हाँ बारिश भी रहती है ऊपर से, मौसम बहुत अच्छा रहता है, सुकून रहता है और सफर भी सही रहता है। बस शुभकामनाएं हैं कांवड़ियों को और कांवड़ ले जाने वालों को कि ईश्वर शांति के साथ उनको उनका रास्ता पूरा करे, बस कोई दुर्घटना ना हो उनके साथ, दुर्घटना ना हो उनके साथ, यही शुभकामनाएं हैं। हाँ तो आप लोग जो है ना अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इशिका है और मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। इशिका ये बताओ कि कांवड़ यात्रा किस महीने में शुरू होती है? सावन के महीने में। सावन के महीने में क्यों? क्योंकि इस मंथ को बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। कांवड़ यात्रा कहाँ कहाँ होती है, कहाँ जाता है मेनली कांवड़? हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ। हाँ हाँ जी सर, वेरी गुड। हरिद्वार, ऋषिकेश, सर बहुत सारे लोग पैदल पैदल बहुत दूर तक यात्रा करते हैं। हाँ इसमें एक खास बात यह है कि पैदल चलते पैदल यात्रा करते हैं। चलते हैं। यस सर, ये बात है। और सर कंधे में भी बोझ उठा के चलते हैं काफी काफी लोग। बहुत है सर, बहुत ज्यादा कुर्बानी है, बहुत है। आप ये बताइए कि कांवड़ यात्रा का लक्ष्य क्या है, किसकी पूजा होती है? सर कांवड़ यात्रा में भोलेनाथ की पूजा होती है सर। हाँ, भोलेनाथ को पूजा जाता है, जल चढ़ाया जाता है सर। जल चढ़ाया जाता है। सर ये वहीं से हरिद्वार से या फिर वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं? हाँ सर हरिद्वार से जल लेते हैं। मेरा नाम जिया सरियाल है और मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आप बताइए कि कांवड़ यात्रा में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कांवड़ियों को? कांवड़ियों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि उन्हें अपनी साइड चलना चाहिए और उनकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, कांवड़ यात्रा एक विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, कैसे? आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा एक विभिन्नता में एकता का प्रतीक है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग आते हैं, मिलते हैं, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है कि नहीं? लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो आपके आप कभी कांवड़ यात्रा में गए, कभी भंडारा में गए थे आप? यस सर। सर एक बार गया था, मैं छोटा था पापा जी के साथ और काफी दोस्तों के साथ भी गया था मैं। कैसा लगा? सर अच्छा था वहाँ तो। अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर मेरा कज़न गया था कांवड़ लेने के लिए, जब वो आया तो तब हम लोगों ने भंडारा वगैरह किया था, झांकियाँ वगैरह भी हुई थी और घर में कीर्तन वगैरह भी होते थे। कांवड़ में मैं ये भी बता दूं कि कई जगह कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुसलमान भी आजकल शरबत पिला रहे हैं। और पिछले में कई बार न्यूज़ में भी देख रहा था, जैसे बेंगलोर वगैरह में कहीं पे, रुड़की वगैरह में, वो लोग तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा मतलब पहलू है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।